प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। मज़ार दादी करम खातून जो कि रहीमिया खान में वाक़ है, इसका ड्रोन फुटेज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं हरा गुम्बद, ये उनकी कब्र है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। वैसे तो रहीमिया खान में और बहुत सी जगह हैं जो आप विज़िट कर सकते हैं, जैसा कि मचकी फोर्ट, मऊ मुबारक फोर्ट और भोंग मस्जिद, लेकिन ये जगह जो है यहाँ पे ख़ास तौर पे लोग आते हैं अपनी मन्नत लेकर और मुरादें लेकर, ताकि उनकी दुआ कबूल हो। मैं पर्सनली इस बात पे यकीन नहीं रखता, हालांकि मैं बुज़ुर्गों को मानता हूँ, औलिया इकराम को मानता हूँ। आई एम फ्रॉम अहले सुन्नत वल जमात एंड आई बिलीव इन दिस, लेकिन यहाँ पे जो सीन पाठ होता है और आजकल जो कि दाता दरबार भी सीन पट होता है, आई डू नॉट बिलीव इन दैट। मैं ये सोचा वाजे कर दूँ। नाज़रीन, दादी करम खातून एक मकामी कबीले की सरदार थी। उनका ताल्लुक मज़ारी कबीले से था जो बलूचिस्तान का एक मशहूर कबीला है। रहीमिया खान से और आगे पीछे के इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ज़्यारत करने आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं। यहाँ पर अक्सर काफ़ी रश रहता है। वैसे दोस्तों, आपस की बात है, मैं एडिटिंग करते वक्त सोच रहा था कि यार जो दादी करम खातून है, इन्होंने क्या किया होगा अपनी लाइफ में कि जो इनका मज़ार बनाया गया है। मुझे इसके बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, अगर आपको मालूम है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हम पाकिस्तानी लोग या एशियन लोग बहुत ही सादा लोग हैं, ज़रा सी भी कोई चीज़ किसी के बारे में सुने तो बहुत जल्दी मज़ार बना देते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मेरी लाइफ में ही मज़ार बने हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा और आई थिंक दैट इज़ टू मच। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि ये कितनी नेक थी। कुछ साल पहले कोशिश की गई थी कि दादी करम खातून का मज़ार महकमा औकाफ़ के अंडर आ जाए, लेकिन ये जो ज़मीन है इसके जो मालकान हैं उन्होंने इस बात से इनकार कर दी। उन्होंने कहा कि हम खुद इसका ज़िम्मा लेंगे, और मैं समझता हूँ कि अच्छा किया, बिकॉज़ बाकी जो महकमा औकाफ ध्यान दे रहा है ज़ियारतों का, उसका हमें बखूबी इल्म है। सो बेहतर है कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो ही इसको संभालें। मज़ार के आगे पीछे जो आपको कब्रें नज़र आ रही हैं, मुझे कुछ पता नहीं है ये कब्रें किसकी हैं, वहाँ के मकामी लोगों की हैं या ये जो दादी करम खातून है इनके रिश्तेदार हैं, आई हैव नो आइडिया। इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा, मुझे इसके बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मिली। खैर, एनी हाउ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और बाकी मेरे वीडियोस रहीमिया खान के आप देखना मत भूलिएगा। एक दफ़ा फिर मैं आपको वाजे कर रहा हूँ कि यहाँ पर फिल्मिंग करना मना है, इट्स नॉट अलाउड। आपको हर जगह पे बोर्ड नज़र आएंगे जहाँ पे आपको वार्निंग दी जाती है कि आप यहाँ पे फिल्मिंग नहीं कर सकते, वरना रेंजर्स आपको गिरफ्तार कर लेंगे, जुर्माना देंगे। खैर, इट्स अप टू यू। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कुर्बान में दूसरे की भईवा भईवा खाजे सिंधी यार सकू।